अब एक टेस्ट को हम कैसे माने कि वो प्रमाणित टेस्ट है? एक टेस्ट को प्रमाणित मानने के लिए हमारे पास तीन चार गुणवत्ता के जो है आधार हैं, जिसमें एक होता है कि हमारे लैब के अंदर जो टेस्ट लगा है वो वैसे का वैसा ही बार बार रिप्रोड्यूस हो सके। अगर मान लीजिए एक शुगर का हम एग्जांपल लेते हैं, शुगर अगर जो है 100 आ रही है तो वो बार बार 100 आएगी, है 100 नहीं आएगी तो उसका 95, 100, 105 के बीच की रहेगी। तो ये जो वेरिएशन है उसको हम मीन मोड मीडियन जो हमारे मैथ्स में सिखाया जाता है उससे जो है प्लॉट करते हैं, और उसके बाद हम इसमें एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। अगर कोई भी वैल्यू दो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर है तो वो रिपोर्ट सही मानी जाती है। एक बार हमने एक वैल्यू शुगर को डिफाइन कर लिया कि इंटरनल क्वालिटी से हमारी शुगर जो है वो सही आ रही है। इंटरनल क्वालिटी में क्या होता है कि हमारे पास बाहर से सैंपल आता है, कंपनियां सैंपल प्रोवाइड करती है इंटरनल क्वालिटी का, तो उसमें उसकी वैल्यू है 220। तो हम हर रोज सुबह एक इंटरनल क्वालिटी का सैंपल लगाते हैं और लगाने के बाद उसकी रीडिंग देखते हैं, तो वो 220 की 220 ही आ रही है, 215 आ रही है, 210 आ रही है, 225 आ रही है, 230 आ रही है। मतलब अगर वो इसी दो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर है तो वो ठीक है, और अगर वो मान लीजिए 180 आने लग जाए या 250 आने लग जाए तो इसका मतलब गड़बड़ है। तो ये हम अपनी लैब में रोज अपने यहाँ पे करते हैं। प्लस हमारे पास तीन जगहों से बाहर से सैंपल आते हैं हर महीने, उसे कहते हैं एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस, जिसमें हमारे पास CMC वेलोर, हेल्प हरियाणा और वायलेट न्यू दिल्ली, तीन जगहों से हर महीने सैंपल आते हैं, और उनमें हमें नहीं पता होता कि उसकी रीडिंग क्या है। हम उसके बाद उसे लगा करके भेजते हैं, वहाँ पे से वो एनालाइज करते हैं और बताते हैं कि भाई आपकी रीडिंग 2 SD के अंदर है या नहीं है। तो अगर वो 2 SD के अंदर नहीं है तो वो हमें बताते हैं कि भाई ये वार्निंग साइन है, आपकी ये रीडिंग ये इस पैरामीटर के लिए ख़राब है। तो करीब करीब हमारे से 25 से 30 पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनकी हमारी ये रोज के इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल लगते हैं, और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल हमारा बाहर से तीन जगहों से आता है। प्लस हमारे पास हीमेटोलॉजी CBC के लिए भी एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल आता है, और इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल हमारा रोज लगता है। हमारे पलवल की सारी लैबों में हमारा रोज की रोज इस तरीके से सैंपल लगते हैं। इसके बाद बात आती है कि जो एरर है, एरर किस कारण से आ सकता है। एरर जो है तीन प्रकार का एरर है, एक तो सैंपल कलेक्ट करते टाइम में और उसको मशीन में फीड करने से पहले तक का टाइम हो गया, एक उसको मशीन में फीड करने के और उसकी रिपोर्ट देने का टाइम, उसको एनालिटिकल कहते हैं, और जो मशीन ने रिपोर्ट निकाल दी और उसके बाद उसको लिखने में, उसका नाम में चढ़ाने में या किसी भी तरीके का एरर है उसे पोस्ट एनालिटिकल एरर कहते हैं। तो तीन तरीके के एरर्स होते हैं। तो प्री एनालिटिकल एरर्स को हमने कम करने के लिए अपने पास बार कोडेड मशीन रखी हुई है। जब भी हम सैंपल लेते हैं तो सैंपल पे पेशेंट का नाम और बार कोड लगा दिया जाता है ताकि उसमें कहीं पे भी मिक्सिंग की संभावना ना रहे। मशीन में जाने के बाद सैंपल वहीं की वहीं उसमें चेक हो जाता है कि भाई हाँ ये नाम है, ये पेशेंट है, इसमें ये टेस्ट है। जब टेस्ट लगते हैं टेस्ट मशीन ने ठीक दिए क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल लगा हुआ है हमारा। लगने के बाद जब वो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट डायरेक्टली मैनुअली कोई फीड नहीं करता है ना, तो वो पोस्ट एनालिटिकल एरर्स को ख़त्म कर देती है। मशीन से डायरेक्ट रिपोर्ट हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आती है। जैसे मान लीजिए 200 शुगर है तो 200 शुगर को हम कभी अगर हाथ से लिखेंगे तो 200 का कभी 2000 भी हो सकता है, कभी 200 का 20 भी हो सकता है जी। तो ये गलती होती है, ये पोस्ट एनालिटिकल एरर्स है क्योंकि मशीन ने तो दे दी 200 लेकिन लिखने में ये गलती हो गई। तो ये इस गलती को कम करने का तरीका ये है कि वो जो मशीन रीडिंग दे रही है वो डायरेक्टली हमारी सॉफ्टवेयर के अंदर भर के आ जाती है। हमने कुछ नहीं करना होता, हमने ये देखा कि हाँ ये मशीन है, मशीन ने ये रिपोर्ट दी है, ये रिपोर्ट को फाइनल करके हम अप्रूव कर देते हैं कि हाँ ये जो रिपोर्ट सही है। उस अप्रूवल के बाद वो प्रिंट हो सकती है, उससे पहले वो प्रिंट ही नहीं होती। तो इस तरीके से हमने अपनी लैब में इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, इंटर लैब क्वालिटी कंट्रोल, ये तीनों अपनाए हुए हैं। साथ ही साथ हम जो है यहाँ पे प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल तीन तरीके के जो एरर्स हो सकते हैं उनको भी मिनिमाइज करते हैं। इससे ये होता है कि जनरली हमारे पास रैंडम एरर्स के अलावा और किसी भी तरीके का एरर नहीं हो सकता। और अगर हमारे यहाँ पे लैब में शुगर 200 आ रही है तो वो शुगर 200 ही होगी, है ना, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जो है ऊपर या नीचे होगी, और वो 2 SD के अंदर ही होती है। 2 SD के अंदर में रेंज आ गई 95 से लेके 105 की, 10 का वेरिएशन है।
ठीक है, आप अगर हमारे यहाँ पे एक सैंपल को बार 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 लगाया जाएगा तो 95 से 105 के बीच की वैल्यूज आएंगी अगर 100 उसका टारगेट वैल्यू थी तो इस तरीके से हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारे रिपोर्ट्स जा रही हैं वो सही हैं। प्लस हम उसे बार 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 उस मशीन को, मशीन की एएमसी, मशीन की क्वालिटी, मशीन के रिएजेंट्स की क्वालिटी, उनको बार 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 देखते रहते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस बहुत ही टीडियस और बहुत ही जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन हम आज की डेट में अपनी लैब में ये सारा का सारा प्रोसेस करते हैं और तभी पेशेंट की रिपोर्ट रिलीज करते हैं। एक पेशेंट कैसे इंश्योर करे कि उसकी जो रिपोर्ट है वो सही है? हाँ, इसके लिए अभी हम अपने तरफ से अपने पास ये सब काम कर रहे हैं। मैं, मेरे पास मेरी टेबल पे कई बार एक्सटर्नल क्वालिटी की रिपोर्ट्स लगी भी रहती हैं, हैं, और हम लोग पेशेंटों को दिखाते भी हैं। लेकिन अभी हम ये डिवाइस कर रहे हैं कि वो पेशेंट कैसे देखे, हमारे रोज की रिपोर्ट कैसे देखे। तो अभी हमने एक सॉफ्टवेयर और लिया है जिससे मैं आशा करता हूँ एक दो महीने में पेशेंट के पास हम रोज जो है ये एक चार्ट बना के रख देंगे कि भाई आज की शुगर की हमारी जो है क्वालिटी कंट्रोल इतना है जी। और ये इतना आना चाहिए, तो आज ये आया है। तो उससे क्या है कि पेशेंट को ये यहीं हमारे नोटिस बोर्ड पे पता लग गया कि आज भाई इनके सारे ये पैरामीटर्स अच्छे चल रहे हैं। तो वो हम डिस्प्ले का तरीका भी धीरे धीरे बना रहे हैं, और बाकी अभी हमारे तरफ से तो ओके है, लेकिन पेशेंट को कैसे बताएं वो अगर आना आकर के देखना चाहता है तो हमारे सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं, मोस्ट वेलकम। कॉपीज हमारी बनी हुई हैं, अलग तरीके की डायरीज हैं, सब चीज़ें बनी हुई हैं। लेकिन जो अगर वो डिस्प्ले का तरीका अभी हम महीने दो महीने में निजात कर देंगे।